नमस्कार मैं संजीव कुमार शर्मा आशा संस्था से आया हूं और मैं आज बरखड़ा नदी गांव में आया हूं जहां मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने एच डब्ल्यू आई जिसको हम की हिंदी में श्री विधि बोलते हैं उस विधि से गेहूं बोया है तो वो आज हमको ये बताएंगे कि श्री विधि और जो परम्परागत विधि है उसमें दोनों में क्या अंतर है दोनों की उपज में क्या अंतर होता है और दोनों की क्रियाओं में क्या क्या किया जाता है दोनों की क्रियाओं में क्या अंतर है तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं राम राम प्रहलाद जी राम राम सर नमा, राम राम जी हमको ये जानना है आपसे कि जो श्री विधि है और जो हम सीड ड्रिल से जो गेहूँ बोते हैं जिसको परंपरागत विधि जो हम बोलते हैं आज का उन श्री विधि और उसमें क्या अंतर है आज आप हमें ये। तो प्रहलाद जी सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपने ये श्री विधि से गेहूँ क्यों लगाया श्री विधि से सर क्या होता है कि इसके जो गेहूँ के जो रहते हैं उसके कुंचे अच्छे फूटते हैं उसका फैलाव ज्यादा होता है अच्छा, अच्छा। दूसरा फायदा ये है सर इसमें कि जो अंकुरण रहता है जो रहते, उसके पहले मतलब सर मतलब ये, हाँ। हाँ, तो ये मतल... प्रहलाद जी ये बताए कि कितने दिन में अंकुरित हो गया और वो परंपरागत वाला कितने दिन में हुआ वो परंपरागत वाला सर करीबन छह दिन में हुआ और ये इसके आधे दिन मतलब तीन दिन में ही अंकुरन इसका मतलब बाहर आ गया है जमीन से हाँ इसका एक फ़ायदा ये भी है सर कि पौधा बहुत स्वस्थ रहता है और इसकी चमक मतलब बहुत अच्छी रहती है पौधों की और बीमारियाँ भी इसमें इस कम लगती है अच्छा अच्छा प्रहलाद जी आपने हमें ये क्यों कर रहे हैं ये तो बता दिया जी सर अब आप हमें ये बताइए कि श्री विधि और परंपरागत विधि में क्या मतलब मेन अंतर क्या है जी सर इस गेहूं को बोने से पहले सर पहले उपचारित किया जाता है इसके लिए क्या करना पड़ता है कि गौमूत्र लाया जाता है गौमूत्र के साथ फभुतनाशक दोनों को मिला के मतलब उपचारित किया जाता है उसके बाद इसको आठ घंटे तक पानी में रखा जाता है ठीक है ना उसके बाद उपचारित करके इसको बोया जाता है जिससे बहुत जल्दी जमीन से बाहर निकल आता है इसका अंकुरित बहुत जल्दी हो जाता है अंकुरण जल्दी अंकुर बहुत जल्दी हो जाता है और परंपरागत में क्या होता है बहुत टाइम लगता है उसके बजाय बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है

बीज हैं उसमें उसमें तो रेगुलर गिरते हैं सर मतलब लाइन से चलते रहते हैं और इसमें क्या है इंच रहते हैं है। अच्छा। और वो तो कोई इंच ठीक ठीक मैं अभी बताता हूँ देखिये सर आज मैं मेरे खेत में लगाया हुआ श्री एस डब्ल्यू आई विधि के जो गेहूँ लगाए हुए हमने उपचारित करके उसको मैं बताना चाहता हूँ कि उससे कितना अंतर आया गेहूँ का ये जो मेरे पास आप गेहूँ देख रहे हैं मतलब ये एक गेहूँ बोया हुआ है उसके मतलब लगभग पैंतीस से चालीस कुंचे बने हैं जो मतलब बहुत अच्छे हैं इसके एक ये गेहूँ है सर जो हमारे परंपरागत विधि से जो बोया गया हुआ है ये मतलब सिड्रिल से इसमें क्या मतलब पाँच से छः कुंचे ही फूटते हैं मतलब बहुत कम फूटते हैं इसमें एक फ़ायदा आपको और बता दूँ सर मैं कि इसमें मतलब खरपतवार जो उगता है उसके लिए मतलब मजदूरों की सहायता नहीं ली जाती है उसके लिए हम यंत्रों का उपयोग करते हैं अच्छा। जिससे क्या होता है कि मिट्टी की जो नमी रहती है वो अधिक दिन दिन तक बनी रहती है साथ ही नालियाँ हो जाती है जिससे हमारे यहाँ हम पानी पिलाने में बहुत ही अच्छा रहता है और खर्च भी है खर्च मतलब बहुत कम लगता है अच्छा अच्छा और परंपरागत विधि में हम क्या मजदूरों का ही उपयोग करते हैं हाँ उसमें मजदूरों का उपयोग करते हैं सर अब तो खर्च बहुत अधिक आता है बहुत ज्यादा खर्चा आता है और इसमें बहुत कम खर्च आता है यंत्रों अच्छा से है। बहुत जल्दी काम हो जाता है और खर्च भी कम आता है अच्छा अच्छा। प्रहलाद जी क्या बाकी सभी क्रियाएं जैसे कि कीट नियंत्रण हुआ अपना रोग नियंत्रण हुआ और पानी की जो सिंचाई व्यवस्था होती है गेहूँ में जी सर वो क्या सभी दोनों विधियों में समान होती है क्या क्या होता है की मतलब इस विधि में मतलब ये इसके अलावा जो परंपरागत विधि है उसका ही उपयोग मतलब वही किया जाता है इसमें मतलब इतना ही पानी लगता है और वही जो इनमें करते हैं उतना ही वो कार्य इसमें भी अच्छा होता बाकी है। जो कृषि हाँ, जो, जो किए होती है एक समान रहती है इसके अलावा जो रहती है सर अच्छा तो प्रहलाद जी आपने तो ये हमें बता दिया कि दोनों विधि में क्या अंतर है क्या मुख्य अंतर है जी सर अब आप हमें ये बताइए कि श्री विधि से और हमें क्या क्या और फायदे हो सकते हैं ठीक सर सबसे पहला फायदा तो इसमें क्या है सर कि इसके कुंचे बहुत अधिक फूटते हैं देख ही लीजिए आप अच्छा। और साथ में बाली इसकी जो रहती है बहुत बड़ी रहती है उसकी साइज इसकी साइज़ बहुत बड़ी रहती है और मतलब अच्छी रहती है चमकदार जिससे क्या उपज भी बहुत अच्छी रहती है इसके अच्छा तो आप हमें इन दोनों बालियों दिखाएंगे देखिए सर ये जो अपने औपचारिक किए हुए एस डब्ल्यू आई जो विधि है उसकी ये वाली आप देख रहे हैं ठीक है ना उसके साथ ही ये जो साथ में रखी हुई है ये परंपरागत जो हम हमें सीडिल से बोते हैं उसकी बाली है ठीक है इसमें दोनों में साइज में अंतर ही है मतलब इससे डबल साइज है मतलब इससे बड़ी बड़ी है अच्छा प्रहलाद जी आपने हमें फायदे भी बता दिए इस विधि में दोनों विधि में क्या अंतर है ये भी बता दिया हुँ. लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि श्री विधि से बोने में और से बोने में हमको दोनों के उपज में कितना अंतर लगभग आ जाएगा? जी इस से जो जी डब्ल्यू आई विधि है सर इससे जो हमारी परंपरागत विधि है उस विधि से इसमें मतलब उपज में 25 से 30 परसेंट ज्यादा आएगी इसकी उपज ठीक है ना हाँ 25 से 30 परसेंट इस जो एसडब्ल्यू आई विधि है इसमें बहुत ज्यादा उपज रहेगी

और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाए ठीक तो प्रहलाद जी क्या आपने ये एच आई विधि लगाए तो आसपास के जो किसान भाई हैं हमारे वो उत्सुक हैं इस विधि को जानने के कि आपके पास कोई आए आपके खेत को देखने के लिए हाँ सर इसमें मतलब इस, इस विधि को क्योंकि नए विधि है, इसको देखने के लिए आसपास के बहुत से जो लोग लोगे वो देखने का है क्योंकि उत्सुकता है देखने की कि कैसा क्या उसके विधि है वो बहुत से लोगों ने हमें पूछी थी अच्छा और ये भी लगता है आपको कि वो अपनाएंगे इस विधि को हाँ सर वो अभी तो उनके मन में ऐसा लगता है कि बड़े उत्सुक है की हम भी इस विधि को लगाएंगे कि मतलब अच्छी मतलब जो अभी पौधा दिख रहा है उसके हिसाब से मतलब वो विधि बहुत बढ़िया है इनके लिए तो प्रहलाद जी आज आपने हमें एच डब्लू विधि और परंपरागत विधि में अंतर बताया और अपने अमूल्य समय में से हमें अपना समय निकाल के दिया तो उसके लिए मैं आपको आशा संस्था की ओर से धन्यवाद देता हूँ आपका भी धन्यवाद सर आपने हमारे लिए समय दिया इसलिए बहुत बहुत